पलक्कड़ में आज शुरू हो रही 3 दिवसीय बैठक में आरएसएस और अनुषांगिक संगठनों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष चर्चा होगी। बैठक की जानकारी देते हुए आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि संगठनों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तरों पर समन्वय बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सितंबर महीने से दिसंबर तक मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। सरकारी कर्मचारियों को इस दौरान कई अवकाश मिलने वाले हैं और ऐसे में सरकारी अधिकारी कर्मचारी छुट्टियों का मजा परिवार के साथ ले सकेंगे। भोपाल में अनंत चतुर्दशी का भी अवकाश है, जबकि दीपावली पर लगातार 4 छुट्टी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में नाबालिग बच्चों की चुनाव प्रचार में भागीदारी पर रोक लगा दी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बाल श्रम अधिनियम 1986 का पालन करने का निर्देश दिया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को संशोधित बाल श्रम अधिनियम 1986 का कड़ाई से पालन करना होगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आगामी भारत जोड़ो यात्रा पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भारत न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। आज एनडीए जो सरकार में होते हुए घबराई हुई है, वो इसी यात्रा का परिणाम है। राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, वो हमारे युवाओं को उस यात्रा से जोड़ेंगे। ये वो युवा पीढ़ी है जिसे भाजपा ने गलत रास्ते पर डाल दिया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कहा, आज प्रारंभिक चर्चा समाप्त हो गई है। 2 या 3 सितंबर को सीईसी की बैठक होगी। भाजपा वाले तो कई घोषणाएं करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 4-5 बार अपनी जगह बदल चुके हैं। 2-3 दिन इंतजार करें, लाडवा भी बदल जाएगा। आज प्रारंभिक चर्चा हुई है, कल अंतिम चर्चा होगी और अंतिम सिफारिश का मसौदा तैयार किया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने प्रतिक्रिया दी। मनोज झा ने कहा कि चंपई सोरेन जी के बीजेपी में शामिल होने पर जितनी हलचल दिल्ली में देख रहा हूं कि ये कमाल हो जाएगा। ऐसा झारखंड में कुछ भी नहीं है। झारखंड में जाकर पूछिए, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। आदिवासी समाज में आक्रोश है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपनी सल्तनत समझती है। ये हराम हलाल का सिफारिश उन्होंने ही शुरू की है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने कोलकाता मामले पर कहा कि पश्चिम बंगाल में एक अस्पताल में जो जघन्य घटना हुई, उसमें अस्पताल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से पूरा देश आक्रोशित है। इस क्रम में ओडिशा की बहनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुझे इस घटना की निंदा करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। मैं इसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग करूंगा, ताकि समय रहते जांच हो और इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जा सके। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से जनता की सेवा की। आज वे झारखंड गठबंधन की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा में आ गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। टाइगर जिंदा है, वे टाइगर हैं। उनके साथ मिलकर भाजपा अब अपनी सरकार बनाएगी और झारखंड की जनता को यहां की बेईमान सरकार से मुक्ति दिलाएगी। चंपई सोरेन भाजपा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, वे कोर कमेटी में भी रहेंगे। ममता बनर्जी के बयान को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि जब हजार बरस की गुलामी में मुगल और फिरंगी देश जला नहीं पाए तो वो क्या जलाएंगे। देश की संतान में संस्कार इस तरह कूट कर भरे हैं कि देश की संतान जलाने वाले को ही जला देती है।